हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैं आई हूँ आपके सामने मूली का पराठा लेकर के। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मूली का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हरी और ताज़ी मूलियाँ बहुत आती हैं और ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे मूली का पराठा। तो ये देखिए, 3 मूलियाँ मैंने ली थी जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है अपने आटे के क्वांटिटी के अनुसार। जिस हिसाब से आप आटा ज़्यादा रखें तो ज़्यादा मूली को जो है कद्दूकस कर लें। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है और निचोड़ के मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये पानी अगर आटा कम है मेरा तो गीला हो गया, तो इसीलिए मैंने निचोड़ करके उनको डाला है। और ये डाल रही हूँ मैं लहसुन प्याज और हरी मिर्च का बनाया हुआ पेस्ट, और दरदरा सा मैंने उनको काट लिया है, और धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, और ये मूली की पत्तियाँ जो होती है ना उनको मैंने बॉईल कर लिया था वो मैंने डाल दी है। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान जो है मिला लिया है इसमें। अब डालेंगे हम लोग मसाले, क्योंकि मसाला डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें डालेंगे हम अजवाइन, और अजवाइन भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि सर्दियों में हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, तो किसी किसी की पाचक क्रिया कम होने के कारण खाना पचता नहीं है, और इसलिए अजवाइन का यूज़ हमें करना चाहिए। जीरा भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, अब मैंने सारा सामान जो है इसमें मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वही अब मैं मिला रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है नमक। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सुबह के टाइम में जब हम पराठे बनाते हैं तो थोड़ा सा येलो कलर दिखे तो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें हींग। जितना भी सामान मैंने इसमें डाला है सभी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मतलब इसको खाने के बाद में पेट में भारीपन सा नहीं लगता, हल्कापन सा लगता है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों के बने हुए पराठे खाए, तो पराठे खाने के साथ साथ वो अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकता है। तो चलिए, अब इसको हम लोग भूनेंगे। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जो मूली का पानी हमने निचोड़ा है उसको, ताकि वो भी हमारा यूज़ में आ जाए। मैंने निचोड़ के इसलिए रख दिया था ताकि मतलब जो है ताकि हम डायरेक्ट ही आटे में उसको मिला देते, और अगर मूली ज़्यादा होती तो हमारा आटा जो है गीला हो जाता, इसलिए मैंने उसको निचोड़ के रख दिया है। तो इस तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद मिलते हैं गूंदने के बाद में। देखिए, आटे को हमको कड़क ही जो है डो हमको जो बनाना है वो कड़क ही बनाना है। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट ही मैंने बनाया है क्योंकि ये जो है ना डो जो हम बनाएंगे तो गीला अगर हम लोग बनानेंगे तो हमें बेलने में परेशानी होगी। और ये देखिए, काफ़ी देर तक हमको इसको अच्छे से एक मतलब एक जैसा हो जाए, सारा सामान एक दूसरे एक जगह इकट्ठा ना रहे, पूरा सामान मिल जाए डो में, इस तरीके से गूंदना है। और कम से कम 5 मिनट तक हम इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये चिकना बन जाएगा। और एकदम देखिए, मेरी परात बिल्कुल साफ हो गई है, और इसी तरीके से हमको जो है डो तैयार करना है। तो ये देखिए, मैं बना लेती हूँ। और इस टाइम में मूली के पराठे सभी लोगों के घर में पराठे पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो ये देखिए, डो मेरा बिल्कुल बन करके तैयार है। अब मैं इसमें पॉलीथिन रख देती हूँ, वो मैंने रख दिया है। तैयारी करके बनाते हैं पराठे। तो ये देखिए, सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब मैं रखूँगी तवा गैस पर,
और जैसे कि आप लोगों ने मेरे अदर वीडियोस को प्यार दिया है, वैसे ही इस वीडियो को भी दीजिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। और पिंकी की दुनिया में शामिल होने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कैसे हैं आप सब? और जो अदर चैनल वाले लोग हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ और उन लोगों के भी वीडियोज़ मैं देखती हूँ। और आप लोग भी मेरे वीडियोज़ देखिएगा, इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो देखिए, जो लोग न्यू चैनल वाले मुझे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके चैनल का आपका नाम भी ज़रूर सबको बताऊंगी, सबके सामने बोलूंगी। मैंने एक इससे पहले जो वीडियो इसके ऊपर बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं सबकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल हूँ रेडी। तो पूरा वीडियो आप लोग मेरा देखिएगा और आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं आपकी, इसी तरह हम लोग जो है अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं लोइयां बना लेती हूँ और मैं काफ़ी बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी पराठे बनाऊँगी, क्योंकि छोटे छोटे पराठे जो हैं अच्छे नहीं लगते, इसलिए बड़े बड़े जो है पराठे मैं बनाऊँगी। तो चलिए, मैं बेल लेती हूँ। देखिए, मूली का पराठा मैंने बेल करके तवे में डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल भी चकोटी पे नहीं लग रहा है और ना ही तवे में चिपक रहा है। बस आप देखते जाएं किनार से कि हल्का सिका है कि नहीं। अगर वो सिक जाएगा तो अपने आप उठने में आसानी होगी उसको उठाने में, और अगर आप बिना सिका हुआ उसको पलटने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ज़्यादा पलेथन भी इसमें नहीं लगता है क्योंकि किनार हल्की हल्की सी बाहर निकल जाती है इसकी, क्योंकि हम लोगों ने धनिया पत्ता वगैरह डाला है ना, तो वो थोड़ा सा जैसे किनार एकदम रोटी की तरह गोल नहीं बनती है, सभी लोग जानते हैं ये तो। और ऐसे पराठे बनाइएगा और सभी लोग आनंद उठाइएगा पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि ये पराठे ब्रेकफास्ट में और कभी कभी तो लंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आज इनको ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, कभी लंच में बनाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। और कम तेल के पराठे आराम से बना करके आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और किस किस को मूली के पराठे पसंद हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में सभी लोग इसको खाते हैं बहुत ही अच्छे से, और ख़ास करके सर्दियों में। देखिए, मैं इसी तरीके से सारे पराठे जो हैं बना लूँगी। सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आज का चैनल मेरा अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आपने मेरी किचन वाली दोनों वीडियो पर बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने वो वीडियोज़ बहुत ही मुश्किल से बनाई हुई थी और इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे लगता नहीं था कि मुझे आप लोग इतना प्यार देंगे, बट आप लोगों ने मेरा इतना साथ और इतना सहयोग किया
उसके लिए जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए पराठा हमारा गर्म गर्म बन करके है तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं पराठे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं मूली के पराठे बना करके आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो ये देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं अचार और सॉस के साथ, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने के बाद में, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए मैंने मूली के पराठे बना लिए, और सबसे पहला हक आप लोगों का है, तो आ जाइए चलिए सर्व करते हैं मूली के पराठे। और अभी सिर्फ मैंने थोड़े से ही बनाए हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से बना करके आज हम लोग खाने वाले हैं, तो चलिए इंजॉय करते हैं। मिलती हूँ आपसे पराठे खाने के बाद, अभी के लिए बाय बाय। तो ये देखिए एक बाइट सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं सर्व करके आपको खिला करके बताती हूँ, टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना है सॉस के साथ में। ये देखिए कितने ही नरम और कितने टेस्टी दिख रहे हैं ये देखिए पराठे हमारे, और बहुत ही लाजवाब बने थे रियली में।